बेसिक मेंस का टाइप है ना डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस तो मुझे लगा था कि जस्ट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, मेंस तो उसका एक मेन कारण हुआ ना। जो डर्मेटाइटिस है वो तो एक ब्रॉड टर्म है, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी स्किन की उसे डर्मेटाइटिस बोलेंगे। तो जब वो माइट्स हैं स्किन में वो कॉन्टिन्यूसली इरिटेशन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्पाइंस भी होते हैं, तो फिर इन्हें इचिंग होती है कॉन्टिन्यूस। और जो मेज है ना वो दो स्पेसिफिकली हमें दो मिलती हैं, एक डेमोडिकोसिस और एक सार्कोप्टिस। जो सार्कोप्टिस है वो इंसानों को भी जानवरों से हो सकती है, और जो डेमोडिकोसिस है वो एक डॉग से दूसरे डॉग को हो जाती है। और खासकर जो बरसात का टाइम होता है तब हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उस टाइम क्या होता है कि झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो ये जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं ये झाड़ियों से निकल के जाएंगे, वो झाड़ियाँ भी एक सोर्स बन जाते हैं इन्फेक्शन का, वहीं से एक हेल्दी डॉग भी गुजर के जाएगा। इसलिए जो भी मेरे पास हेल्दी डॉग आते हैं तो उनके ओनर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ये मेज वाला सीज़न चलता है प्रॉपर, तो उस टाइम पे अपने डॉग्स को झाड़ियों में ना जाने दें ज़्यादा, और ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स के कॉन्टैक्ट में भी ना आने दें क्योंकि ये कॉन्टेजियस है। ये माइट्स जो हैं जैसे पिस्सू एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में चले जाते हैं, वैसे ही ये माइक्रोस्कोपिक माइट्स जो हैं वो भी जब कॉन्टैक्ट होगा दो डॉग्स का तो हेल्दी डॉग में चले जाएगा। तो इसका इलाज आइवरमेक्टिन ही है? आइवरमेक्टिन है, पर आइवरमेक्टिन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दो केसेस में। एक जो हमारे पपीज हैं जो 3 मंथ्स से नीचे हैं, अब 3 मंथ्स से नीचे का होने का क्या मतलब होता है कि ब्रेन की जो है प्रॉपर जो है डेवलपमेंट चल रही होती है, और आइवरमेक्टिन जो है उन पपीज में ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उससे क्रॉस कर जाता है और उनमें आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हो जाती है उन पपीज में। और दूसरा एक ब्रीड होती है बॉर्डर कोली, उस ब्रीड में भी अगर हम आइवरमेक्टिन दे देंगे तो उसे भी एकदम से आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सेकेंडरी है? ये सेकेंडरी होगा ना, क्योंकि स्किन होगी कॉम्प्रोमाइज, ये इचिंग कर रहे हैं वहाँ की स्किन कॉम्प्रोमाइज होगी। कॉम्प्रोमाइज होगी मतलब उसमें खरोचे आ गए, वहाँ पे रेडनेस हो गई, जितने भी इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं वो सारे के सारे आ गए उस जगह पे। अब वो जो है वो तो एक ओपन बन गया ना, अब वो एक कोई भी सोर्स है चाहे वो फंगल है चाहे वो बैक्टीरियल है वो आराम से वहाँ पे, क्योंकि हमारी स्किन क्या है, स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन नहीं है ना हमारा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब इम्पेयर हो गया तो फिर आगे मिक्स इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो डर्मेटाइटिस तो कैच ऑल टर्म हो गई ना, ब्रॉड टर्म हो गई, और उसके नीचे है कि वो इस वो मेंज की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल। बरसात पे ज्यादा यहाँ पे ना जो ये पेल्विस वाला ही एरिया होता है यहाँ पे ज्यादा आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, पोज के बीच में रेडनेस देखने को मिलेगी, वो बैक्टीरियल सोर्स होता है ज्यादातर। वो बैक्टीरियल है या फंगल? बैक्टीरियल फंगल दोनों हो सकता है, पर ज्यादातर बैक्टीरियल। पर हम देख के ना बिल्कुल कभी नहीं हमें बोलना चाहिए कि ये फंगल है बैक्टीरियल है, माइक्रोस्कोप से ही पता लगेगा जी। फंगल की स्मेल नहीं होती अलग? कुछ एक हो जाता है, बैक्टीरियल की भी हो जाती है स्मेल, तो बैक्टीरियल में भी हो जाती है स्मेल, मतलब कि हम देख के जस्ट हम टेंटेटिव बता सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है फंगल है, पर जो डायग्नोसिस है वो तो हमें माइक्रोस्कोप में ही करनी चाहिए। लोग सल्फर का कहते हैं इस्तेमाल करो स्किन डिजीजेस में, आपने किया है कभी? हाँ, पर वो ना थोड़ा हार्श होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जिंक कंटेनिंग सिरप्स दीजिए, या फिर जैसे जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, और उसके अलावा जो है वाइटामिन ए कंटेनिंग फूड, वाइटामिन ई कंटेनिंग, क्योंकि वाइटामिन ई तो बिल्कुल ज़रूरी है ना हमारे स्किन के लिए, और उसके साथ साथ जो रीजनरेशन में हेल्प करता है वो वाइटामिन ए भी करता है, तो मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल्स तभी हम देते हैं ना। और मेंज और इम्यूनिटी का भी कोई लिंक है? इम्यूनिटी का बिल्कुल लिंक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ही जो है इम्पेयर हुआ, हमारे जो सेल्स हैं वो एकदम से ट्रिगर हो गए, कुछ ना कुछ हुआ है, तो उस जगह पे जो है क्या होता है कि पूरी पूरी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, जो हमारे एंटीबॉडीज बने होंगे वो वहाँ पे आएंगे, और उनके कारण कई बार क्या होता है ना कि वहाँ पे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, कोई फॉरेन सोर्स है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, तो वो जख्म जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है कई बार, मतलब हमारी बॉडी तो उसे ठीक करने निकली थी पर कई बार वो ख़राब भी हो जाता है, तो हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो टिक्स, फ्लीज, मेंज, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब से कैसे निपटना है डिटेल में जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें।